फ्रेंड्स, हेलो, नमस्ते, आदाब एंड सत श्री अकाल। फाइव बैड हैबिट्स दैट मेक यू ओल्ड। नंबर वन, फिज़िकल एक्टिविटी की कमी। फिज़िकल एक्टिविटीज़ को नज़रअंदाज करने से इंसान की बॉडी बीमारियों से घिर जाती है। ऐसे में एजिंग प्रोसेस अपने आप ही तेज हो जाता है। लगातार बैठे रहने और फिजिकल एक्टिविटी ना करने से बॉडी मोटापे का शिकार हो जाती है, जो बढ़ती उम्र के साथ और भी परेशान करती है। नंबर टू, स्ट्रेस। स्ट्रेस लेने से यानी किसी भी बात को लेकर ज़्यादा चिंता करने से लोग जल्दी बूढ़े लगने लगती है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाला व्यक्ति दिमागी या शारीरिक बीमारी का भी शिकार आसानी से हो जाता है। स्ट्रेस को एक साइलेंट किलर भी माना जाता है, जो बहुत ही खतरनाक साबित होता है। आप यंग बने रहना चाहते हैं तो स्ट्रेस से दूर रहें। नंबर थ्री, नींद पूरी ना होना, नींद ना होना या पर्याप्त नींद ना लेना भी एक प्रॉब्लम है। इसका स्ट्रेस से भी नाता है। जब हम पर्याप्त नींद लेते हैं तो यंग और तनावमुक्त रहने में हमें हेल्प मिलती है। इससे एजिंग प्रोसेस भी स्लो होता है। लगातार नींद ना पूरा करना हमारे स्वास्थ्य पर तो असर डालता है और हमें जल्दी ही बूढ़ा दिखाने लगता है। युवाओं में भी तेज़ी से ये परेशानी बढ़ रही है। नंबर फोर, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। थोड़ा सा तनाव होने पर कुछ लोग अल्कोहल या सिगरेट जैसी चीज़ों का सेवन शुरू कर देते हैं। युवाओं में ये चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। इन नशीली चीज़ों का लगातार और ज़्यादा सेवन हमें बुढ़ापे की ओर धकेल सकता है। नंबर फाइव, गलत खान पान। गलत खान पान की आदतों की वजह से हमारा शरीर समय से पहले ही बूढ़ा नज़र आने लगता है। प्रोसेस्ड फूड, सोडा और जंक फूड हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। गलत खान पान के कारण पाचन में गड़बड़ी और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। हेल्दी डाइट हमें यंग बनाए रखती है और सेहतमंद भी होती है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड नमस्ते।